नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। गेल इंडिया के अंदर पिछले दो दिन गिरावटें नज़र आई। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा स्टेबल था स्टॉक, पर यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे तो थर्सडे के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, जिस गिरावट में फिर से स्टॉक ने 225 लेवल को ब्रेक डाउन किया। तो 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन कलर की लाइन, उसको भी ब्रेक डाउन किया है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो नीचे 210 पे अगला सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अगर वॉल्यूम भी देखा जाए तो वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, जिस वजह से मोमेंटम थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। पर नीचे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे लास्ट टाइम भी स्टॉक ने 210 पे सपोर्ट लिया था। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात यहाँ पे बढ़ेंगे तो स्टॉक में ऑटोमेटिक मोमेंटम में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते कि न्यूज़ की तरफ भी नज़र डाली जाए तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ या अपडेट नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग गेल इंडिया स्टॉक। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डिमांड आ जाएगी, वहीं से स्टॉक पुल बैक जनरेट कर सकता है। बाकी कोई खास अपडेट नहीं है।